षष्ठी के एक वचन है, पूर्व पदस्तात् निमित्तात् परसः सुयो निपातस्य सस्य शः। सुई शब्द से भ्रम न हो जाए, निपात से कह दिया। सुई एक निपात है, स्वराज निपातम अव्ययम। निपातों की गणना चादियों निपाता, चादी गण में गिनाया गया सुई, और सुई का सुई बचता है या चला जाता है, और जो सु बचा हुआ है उसके दंत सकार को मूर्धन्य षकार हो जाता है। पूर्व पदस्थ निमित्त को लेकर के, पूर्व पद में यण या कु होना चाहिए, निमित्त वही है उसका। ऊर्ध ऊषुण, वो भी अलग निपात है, सुय एक अलग निपात है, पूर्व ऊ को दीर्घ कर देता है। इका सुई यदि पूर्व पद से दीर्घत्तम, ये पहले जा चुका है सूत्र, पूर्व पद को दीर्घ कर देगा। और अब पर में जो है नस है, वो पर में जो है नस आदेश हुआ है, युष्मद अश्मद को जो नस आदेश है वो नस है वहाँ पर, उसको भी नश्च धातु स्तोर शुपिया आगे अंत में आने वाला ये सूत्र है, आपके इस प्रकरण का अंत वाला सूत्र, वो सर वो मूर्धन्य कर देता है। पूर्व को ऊ को दीर्घ कर दिया, और पर में नस के नकार को मूर्धन्य हो गया, और सु के सकार को मूर्धन्य शकार हो गया। ऊ शु न ये रूप बना न, एवं अभी शु न अभी ई शु और न, यहाँ पर भी इसी प्रकार से ई को दीर्घ हो गया और अभी के कार के साथ अकर्षण हो गया, अभी सु सुख मनुष्य कर अभी शु बन गया, नह भी नस के नकार को मूर्धन्य नह बन गया। ये ले रहे हैं सनोते षष्ठी के एक वचन आना, षष्ठी के एक वचन गोषा इंदो नृषा असी अनह किम गोसनी, संधातु का रूप अनंत होगा तभी, इसलिए सनोते है अनह, संधातु हो और उसका अंत अन अकारांति होनी चाहिए, तभी जाके सूत्र सकार को मूर्धन्य कर देगा। अरे सनी में नहीं हुआ इसलिए, और सना नहीं रह गया, सनी हो गया है, सवा नहीं होगा। गोषा इंदो नृषा असी, नृषा संधातु है, सन के सकार को मूर्धन्य हो गया, इसीलिए गोषा में भी नृषा दोनों मिलेंगे ना, दोनों दृष्टांत बनाएंगे। जन सन खन क्रम गमो विट विट बनो और अनुवासी आत्म हो गया है, गो संता सन के नकार को आकार हो गया और उसका आकर्षण दीर्घ सा बन गया, गो सा, सा के सकार को मूर्धन्य षकार हो गया। एवं सन का ही लेके नृषा भी कर सकते हैं, वो भी इसी प्रकार से होगा। अनंत से सन होते हैं सस्य शस्यात् विडवन और नाशकस्यात् होता है ना, नाशकांत सन धातु नकार को आकार हो गया, सा हो गया, सकार को मूर्धन्य षकार हो गया, पूर्व पदस्थ जो निमित्त को मान करके। अनागिम गोसनिहि अनंत योग या नहीं हुआ, गोसनि रीति छंदसी वनसन रक्ष मथाम इति इन प्रत्यय हो गया, इन प्रत्यय ही बचा सनी बन गया, इसे या नहीं होगा। सहे प्रतनर्ताभ्यांच, सहे प्रतनर्ताभ्यांच, सहे षष्ठी के एक वचन प्रतनर्ताभ्याम पंचकद्विवचन चे प्रतना और रिता, इन दो का पूर्व पद में योग रहते हुए परपदस्थ सहधातु को देव सन धन सकार को मूर्धन्य षकार हो जाएगा। प्रतना शाहम रिता शाहम चात कह रहे हैं रिति शाहम चकार के वजह से, रिति शब्द से संहितायाम नई वृत्ति इति दीर्घ शत्वंच उभेत्र संहिताधिकारात अवग्रह रीति साचर्य मित्येव, रीति का साचर्य सर्वत्र देखा गया, इसलिए उसको अभी दृष्टांत बना करके पूर्व पद को दीर्घ भी कर दिया और सह के सकार को मूर्धन्य षकार हो गया। अनुक्त किसी को भी समुच्चय कर सकते थे, लेकिन अधिकतर प्रयोग को देखते हुए इसका किया गया। नी वेविभ्यो वड विवायेपि वाच्छन्दसी, नी वेविभ्यो वड विवाये वाच्छन्दसी, नी वेविभ्य पंचमी का बहुवचन, आड व्यवाये पे सप्तमी के एक वचन, वाव्ये छन्दसी सप्तमी के एक वचन,
नी वी अभी, इनके व्यवधान होने पर भी कि नी वी अभी कैसा है, इनंद है, इन रुपयों का निमित्त बन रहा था, इन बीच में अट घुस गया, अट के व्यवधान होने पर भी छंद विकल से मूर्धन्य शिकार हो जाएगा, सस्य मूर्धन्य वृत्ति लिख दिया इतना ही। इसलिए निषीदत न्यसीदत दोनों बनाए, इसलिए विषीदत विषीदत अभ्यष्टौत अभ्यस्तौत दोनों बन जाते हैं। उत्तर वृत्ति लुकी हली हो गया ना, इसे अस्तौत में असीदत और वैशीदत में क्या हो गया, लुंग लकार लृजित है ना, इसलिए अंग हो गया है, शदृढ़ धातु है, लृजित है, पुषादि धातु लृद प्रसिद्ध अंग अंत है, और ये आपका अंग लंग लकार है, अस्तौत जो है लंग लकार है। छंदस हृदवग्रहात छंदस्य हृदवग्रहात छंदसी सप्तमी के एक वचन, ऋत पंचमी के एक वचन, अवग्रहादि पंचमी, या हृदय अवग्रह एक पद मान के पंचमी के वचन दो ही पद है। ऋकारांतात अवग्रहात परस न से ना स्यात, ऋकारांत जो अवग्रह है उससे पर में आया वह दंत नकार को मूर्धन्य नकार होता है, नृमणा पितृयाणम इत्यादि। नृ और पितृ क्या है, ऋकारांत है, उससे आगे मना और यान शब्द जो प्रयोग कर रहा है उन दंत नकार मूर्धन्य होकर हो गया, क्योंकि यह वो विषय है अवग्रह का मामला। अवग्रह अवग्रहीयते विच्छिद्य पठ्यते इति अवग्रह, अवग्रह कहते हैं विच्छेद करके पाठ करने का, जहाँ योग्यता हो वहीं लेना। अच्छा समान पद में नहीं घटेगा, भिन्न दो पद होनी चाहिए ना, तो अवग्रह के दो पदों का अवग्रह होता है। नृ को अलग कर सकता हूँ, मना को अलग कर सकता हूँ, ये पितृ अलग कर सकता हूँ, पितृयानम पितृयान मार भी है, पितृ शब्द अलग हो जाता है, यानम अलग हम कर सकते हैं। समास को तोड़ करके विच्छेद करके पद पाठी लोग अलग अलग पाठ करने का नाम ही अवग्रह पाठ है। नश धातुस्तोरुषुभ्य नश धातुस्तोरुषुभ्य नह षष्ठी एक वचन चव्य धातुस्तोरुषुभ्य पंचमी का बहुवचन। धातुस्तात निमित्तात धातु में स्थित निमित्त को लेकर के नस के नकार को मूर्धन्य योग में मूर्धन्य नकार होगा वहाँ। धातुस्तात निमित्तात और उरु सु, उरु और सु तीन चीज लिया ना, धातुस्त उरु और सु, वही अभी पहले आपने दृष्टान लिया ना, सु न ऊर्ध ऊषु न, यही सूत्र लगाते वहाँ पर, सु वहाँ पर विद्यमान है। अग्ने रक्षाण ये जो दृष्टान दिया रक्षा, ये धातुस्त है, उसे पर में नह प्रयोग हुआ। अग्ने नामने अस्माकं रक्षा कुर्वन्तो धातुस्त निमित्त से उत्तर में, गुरु शब्द से निमित्त से उत्तर में, सुशब्द से उत्तर में नकार को जो है मूर्धन्य करना था, धातु में जो विद्यमान निमित्त का ये दृष्टांत दिया पहले। रक्षा रक्षेति लोटो मध्यम पुरुषैक वचनांतम द्विचो अतस्तिंगैति दीर्घ हुआ है, इसे रक्षा दीर्घ हो गया, नहीं तो रक्षा होना चाहिए। शिक्षा नो अस्मिन, शिक्षा नो अस्मिन, ये भी धातुस्त का ही निमित्त दिखा दिया। उरु नस्कृधि ये उरु का दृष्टांत है, अभिशूर्ण ये सु का दृष्टांत है, मोशूर्ण ये भी सु का दृष्टांत है। इति अष्टम अध्याय समस्त सूत्रों का विचार पूरा हो जाता है, साथ साथ सिद्धांत कौमुदी में वैदिकी प्रक्रिया पूरा हो जाता है। नह के बारे में दो लेंगे यहाँ पर, नस जो युष्मद अस्मद को आज नस व साजिश होता है, वसनस वो नस भी लेंगे और शुद्ध नह को भी लेंगे, दोनों लेंगे। देखिए कहेंगे टीका में, यहाँ देखिए पहले टीका देख लो, सो यहाँ इस पर यह उषुणह है ना, यही ले से शुरू किया, उषुणह इत्यादि इकास्मे इति पूर्व पद से दीर्घत्तम, केवल रस्मू था वो, ई वो होता है ना, ई क्या था विस्मय वहाँ पर आया था ना, ई इंद्रा वो उमेश ई और निपात, ई इंद्रा उमेश आया था लघु में, ई और होता है निपात, वो निपात है यहाँ पर, शायद विस्मय में अर्थ में ही था वो। उस वो निपात को क्या हो गया, दीर्घ हो गया सुई का योग में, कि सूत्र है वह ई कहा सुई नस को इत्यादेश, और फिर नस ये जो आदेश हुआ है आदेश नस इत्यस्य
नश्च धातुस्तो ऋषभ्य। इस प्रकरण का अंतिम वाला सूत्र से क्या हो गया, मूर्धनकार हो गया था। सनोते रहना अनंत सनोते है सस शास्यात, अनंत जो संधातु हो तो मूर्धन शकार होगा, नहीं तो नहीं। घोषा में जन सन खन क्रम गमो विट सुर से विडवा विडव अनुनाश की जाता से आत्मगीति आत्म गो सना शनि में क्या हुआ, छंदसी वन सन रक्षे मथामी से इन प्रत्यय हुआ, वो शनि हो गया, अनंत नहीं रह जाता है, अथवान तन सकार को मूर्धन्य नहीं हुआ। निव्यभ्य न रपर तो नेत्य अनुवर्तते, अत्र निषेध विकल्पे विधि विकल्प एव फलति, निषेध विकल्प करने का लाभ विधि का ही विकल्प समझना चाहिए। इत्याह मूर्धन्य वास्य अभ्यष्टौत उत वृद्धि हलि वृद्धि हुआ है स्तुधातु का, छंद से ऋद अवग्रह अवग्रीयत विच्छिद्य पठ्यत अवग्रह ऋच्चासव अवग्रहश्च हृद अवग्रह तस्मात्यर्थ ऋच असौ अवग्रहश्च इति ऋद अवग्रह प्रयोग, अर्थ ऋदंत जो अवग्रह, इसे समास कर दिया एक पद कर दिया, ऋच्चासव अवग्रहि हृद अवग्रह तस्मात् हृद अवग्रहात् कर दिया, अर्थ इसलिए वृत्ति कर ले ऋकारांतात् अवग्रहात्, इस वृत्ति में अलग अलग करके ले लिया, दोनों से पंचमी जोड़ दिया। तेना अवग्रह योग्यत्वात् ऋकार अवग्रह इत्युक्त, अवग्रह के योग्य होने से ऋकार को ही अवग्रह कह दिया, न तो तद्दशापन्न तद्दशा को प्राप्त हुए को नहीं लेना, ऋकारांत पूरे पद को ही लेना पड़ेगा। अत्र इंद्रिमना इति पदकाले अवग्रियते, ये पदकाल में से ही अवग्रह किया जाता है। नश्च धातुस्तात् निमित्ता उत्तरस्य उरुशब्दात् सुशब्दाच्च परस्य नसितेतसणः स्यात्, धातौ तिष्ठति धातुस्त कौन है, रेफ अथवा मूर्धन्यशकार दशाभ्याम नोण समान पद निमित्तत्व का, उरु इति स्वर्पग्रहणम सु इति कृतशत्वस्य सुयो ग्रहणम न सप्ति बहुजनस्य, सुगो सप्ति को बहुजन सु नहीं समझना, तेन इंद्रो धर्ता ग्रहेशुन इत्यादो न या नहीं हुआ मूर्धन्य, मैंने श्रुतम मूर्धन हुआ दूसरे सूत्र से, इस सूत्र से नहीं हुआ, अतः न के नकार मूर्धन्य नहीं होगा, कि सु जो है सप्तमी का सु है, सुई का सु नहीं है। नसिति नास का आदेशस्य, देखो नासिका को जो नस आदेश होता है वो नस भी ले सकते हो, और युष्मद अस्मद का नस आदेश होता है वो भी ले सकते हो, अस्मद को होता है ना नस, युष्मद को बस होता है, तो नसिति नासिका आदेशस्य नसादेशस्य च सामान्य ग्रहण, दोनों का सामान्य रूप में ग्रहण कर दिया जाएगा, अस्मद को नस होता है और नासिका को भी नस, ये आदेश होता है, दोनों आदेशों में से किसी को भी लेना है जहाँ जैसा प्रसंग है। रक्षाण इति रक्षा इति लोटो मध्यम पुरुष एक वचनांतम द्वचो अतस्तिंग इति दीर्घ हुआ है, वरुणस्कृति क्रियो लोट शेर ही श्रु श्रृणु प्री क्री वृभ्यश्छंदसी ही को धी वहेर दी कह कर इत्यादि न विसर्जनीय सप्तम विसर्जन मूर्धन दंशकार हुआ उसके मूर्धन शिकार कर देगा अभी, वरुणस्कृति अंतनकार के लिए मूर्धन नकार हो गया, ये लाभ है। अभिशुणा इकाशुति दीर्घ एवं मोषण इत्यत्रापि सर्वत्र उदाहरण है अस्मद आदेशो नस, इन सभी उदाहरण में अस्मद आदेश वाले नस लिया गया है, नासिका का नस गया दृष्टांत नहीं है। स्वयं सुइति निपात ग्रहण छंदसी इत्यनुवर्तत है, अभिशोणा इति एकाशुति दीर्घत्व वही सब बोल रहे हैं, नश्च धातुस्तो ऋषभ्य इति नत्वा सनोतेरना अन अकारांत सनोत्तेर इन कुभ्याम परस्य सस्य षंदसी घोषा इति जनसन इति विट्वा विडवनो से आत्व करके घोषारु बना है, घोषणि में छंदसी वन इत्यादि सूत्र इन्हीं प्रत्यय से आत् पूर्व पदा इत्यव सिद्ध है नियमार्थ विदम भाव इति भाव, पूर्व पदा सुषण हो रहा था फिर भी नियमार्थ सूत्र बना दिया, केचित घोषण है समनादि पाटा सिद्धम अंगीकृत शिशान इशती नियम फलम वदंती, यह गोसने में भी समनादि पाठ होने से सिद्ध है वहाँ पर छत्वाभाव सिद्ध है, अतः दूसरे दृष्टांत देते हो शिशान इशती नियम फलम वदंती, यद्यपि अन्यंत सूत्रे उपात्त ये सनोते है अन्यंत लिया है ना, अन्यंत का दृष्टांत बना रहे हो उपात्तम
इसलिए तथापि अण्यन्तस्य प्रतिषेधवचने फलाभावात् ण्यन्तार्थत्वं विज्ञायते। अण्यन्त में निषेध करने का वर फल नहीं दिख रहा था, इसे अण्यन्त का हम दृष्टान्त दे देंगे। स्तौति न्योरेवेति नियमात् सी सनिषति इत्यादो सत्व अप्राप्तिर इति तदाशिह। सी सनिषत्तेर अप्रत्यये सी सनीरिति नियम फलम इति अन्ये। इन अन्यों का कहना है सी सनिषत इत्यादि के द्वारा सी सनिषत सूत्र के से नियम ये करना है कि सत्व न हो। अत्र सन सत्वभूतो न इति, इसलिए ये जो सन लिया है सत्वभूत न हो इसलिए ऐसा ग्रहण किया। स्तौति न्योरिति नियम अविषयो अयम, मतलब इन उस सूत्र का नियम का विषय इसलिए बनता नहीं। एवं च सामर्थ्य भावात न्यंत से नियमा भावात, सामर्थ्य के न होने से न्यंत को लेकर हम नियम नहीं कर सकते। इसे शिशान ईषति इत्यादो सत्वम भवत्येव, वह मूर्छकार होगा ही। सामर्थ्यात पूर्वपद भावे भी नियम प्रवृत्ति ही, इस सामर्थ्य का वजह से पूर्वपद न होने पर भी नियम की प्रवृत्ति हो जाएगी थी। तद्भाव अन्य का भाव है। सर्वंचेदम भाष्य स्पष्ट सहे प्रतना छंदसी वर्तते चकार अनुक्ति समुच्चय अर्थ इति आशय न चादिति। ऋति शब्द से संहितायाम नहीं वृद्धि दीर्घ सत्तंच उभयत्र सहिताधिकारात अवग्रह ऋति साहम इत्येव। इस अवग्रह में भी ऋति साहम ही पाठ रखे सत्व नहीं होगा के संहिताधिकार होने के कारण से संहिता पाठ में ही मूर्धन्यषकार होगा, अवग्रह पाठ में मूर्धन्यषकार नहीं होगा। निव्य भी एभ्य परसुनोत्यादे है सस्य अड्व्यवाय अपि सत्वम वास्य सत्व विकल्प होगा। प्रकरण प्राप्त से सत्व मात्र से अपि विकल्प, लेकिन वास्तव प्रकरण पाद प्रकरण मात्र से प्राप्त सकल सूत्रों के विषय को ये सत्व को विकल्प कर देगा। अभ्यष्टावधि थी, अभ्यष्टावध कैसे हो गया, वो तो वृद्धि लुकी से वृद्धि हो गया। चंद से हृदय वगैरह पूर्व पदार्थ यदि अनुवर्तते अवग्रह विषय रिकारांत पूर्व पदार्थ, अवग्रह का विषय भूता रिकारांत पूर्व पद से उत्तर से न से न सियात अवग्रह विषयत्व अवग्रह योग्यत्व इत्यर्थ। संहिता काल एणत्व पद काले च अवग्रहात्, संहिता काल में तो वैसे एणत्व हो ही जा रहा था, अवग्रह अवग्रह काल में भी क्या कर दिया, अप्राप्त को प्राप्त करा दिया, एणत्व हो गया। अतएव पद पाठ एणत्व न प्रयुज्यते, जब पद पाठ में लेकिन एणत्व नहीं होगा, अवग्रह काल में भले ही हो इन पद पाठ में नहीं होगा। नश्चत धा धातु इत्यादि धातुस्तात् निमित्तात् उरु शब्दात् और सुशब्दात् च परस्य न शब्द से नस्य नो भवति, मूर्धन्यकार हो जाएगा। पदपाठ में क्या प्रत्येक पद को पाठ अलग अलग टुकड़ा कर दिया जाता है, जहाँ जहाँ निर्देश वही करना है, हर एक पद को नहीं कर सकते। धातौ तिष्ठति धातुस्तम सुइति कृतशत्वस्य सुयो अनुकरणम किया है तेन गृहेशु नः इत्यत्र न, यहाँ जो सु है ये सप्तमी के बहुचन का सु है, सप्तमी के बहुचन का है। नसिति नासिकादेशस्य और अस्मदादेशस्य सामान्य ग्रहण तत्र प्रकृतसूत्रे अस्मदादेश एव कारी तस्यैव धातुस्तात् परत्व संभवात्। यहाँ प्रकृतसूत्र में अस्मदादेश को ही दृष्टान्त बना करके प्रयोग किया गया है। उपसर्गाद अनोत्परायति उत्तर सूत्रे तो उभयोः कारित्वमिति अर्थत। इससे अगला जो सूत्र है अष्टाध्याय क्रम में उसमें दोनों प्रकार के दृष्टांत दिया गया है। उत्तर सूत्र नस ग्रहण अनुवृत्तिर न फलम, ये उत्तर सूत्र नहीं तो क्या होता, नस ग्रहण का अनुवृत्ति करने को फल ही नहीं रह जाता। भाष्य अनोत्पर इत्यस्य स्थाने बहुल ग्रहण से कृतत्व, अनोत्पर को हटा दिया भाष्यकार ने और बहुल ग्रहण कर लिया। तेनैव सर्व अनिष्ट वारणात् इति अन्य, उसी सकल अनिष्ट का वारण हो जाए, बावड़का तो हस्ती कहीं हुआ नहीं हुआ सब काम हो गया ना उससे। रक्षाणा इति रक्षेति लोण मध्यम पुरुष एक वचनम वेचो अतस्तिंगा इति दीर्घत्व। एवं दान कर्मणा शिक्षते है, दान का कर्मभूता शिक्षते शिक्षा है, धातु है यहाँ पर भी शिक्षाणा इति। गुरु मने अधिकम, गुरु का अर्थ होता है अधिक। अभीषण इति इकसुत दीर्घ होकर के रूप बनाई थी शिवम, इस तरह से वैदिक प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब आरंभ होता है स्वर प्रक्रिया। हाँ वैदिक प्रक्रिया ज़्यादा टेढ़ा ये है स्वर प्रक्रिया,
ये पांच खंड मिलेंगे, पांच प्रकरण बना देंगे स्वर प्रयाग के अंतर्गत। साधारण स्वर, प्रकृति स्वर, प्रत्यय स्वर, समास स्वर और तिंगंत स्वर, पंच प्रकरण हो जाएगा स्वर प्रकरण में। नीचे दे रहे हैं सब, देखिए। अनुदातम पदम एक वर्जम, अनुदातम पदम एक वर्जम, अनुदातम प्रथम एक वचनांत पदम, प्रथम एक वचनांत एक वर्जम भी प्रथम एक वचनांत तीन पद है। परिभाषा यम स्वर विधि विषया, यह परिभाषा सूत्र है। अरे परिभाषा सूत्र किस लिए होता है? कहीं अव्यवस्था तो व्यवस्था करने के लिए होता है। कहाँ अव्यवस्था हो रही है? सूत्र व्यवस्था दे रहे हो आप। कहते स्वर विधि विषय आई थी, बता दिए विषय। स्वर विधि में जहाँ जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ इसको पहुँचा दो, ये परिभाषा सूत्र पहुँच जाएगा। कि आप कोई प्रक्रिया किए हैं उसे कहीं उदात कर देते हो, कहीं स्वरित कर देते हो, करने के बाद जो शेष रह गया उसके लिए जाकर बोल देगा सबको अनुवादात कर दो। जो बच गया है, जिस आप एक को उदात किए हैं या स्वरित किए हैं उसे छोड़ के, एक वर्जम पदम शेषम सर्वम अनुदात्तम, यस्मिन पदे यस्य उदात्त स्वरितो वा विधीयते, जिस पद में जिस किसी एक वर्ण के स्थान उदात्त या स्वरित के विधान कर दिया गया, तम एकम अचम वर्जयित्वा, उस एक अच को छोड़ करके त्याग करके, शेषम तत्पदम शेष उस पदस्थ जितने अन्य अच है उन सभी को अनुदाताच कम सियात, सब अनुदात अच्छ वाले हो जाएंगे। गोपायत नह, अत्र सनाद्यंता धातुत्वे धातुस्वरण यकार अकार उदात्त, यकार के अकार उदात्त हो गया, शिष्टम अनुदात्तम शेष जो, इसलिए गोरपा अनुदात्त हो गया, और तो जब और तिंगन स्वर उसे भी नह का योग में वो स्वरित हो जाता है। वो आगे सूत्र उसकी आएंगे। अरे गोपाय तक उन्होंने बता दिया, गोपाय में क्या हो गया है, यकार के आकार हो गया आपका धातु स्वर के अनुसार उदात्त हो गया। अच्छा गोपाय धातु के जो शेष है गो और पा, ये दोनों ही अनुदात्त हो गए। देखिए यहाँ तक की टीका काफ़ी विचार करेंगे कि भूमिका बांधना पड़ेगा प्रकरण का पूरा। अनुदात्तम पदम परिभाषेयम नाधिकारो अस्वरितत्वात्, इसको अधिकार सूत्र न समझे, क्यों? स्वरित संज्ञा नहीं है, स्वरित चिन्ह नहीं है यहाँ पर। यदि एक किसी भी एक पद को चिन्हित करते स्वरित का तो उसका अनुवृत्ति स्वरित न अधिकार, अधिकार सूत्र बनाया ना पाणी ने स्वयं, स्वरित न अधिकार, जो स्वरित चिन्ह वाला जो पद है उसका ही आगे अधिकार जाता है, अनुवृत्ति होती है। इसका दो अर्थ किया, कहाँ तक जाएगी? स्वरित न अधिकार, आगे स्वरित दिखा तो वहीं रुक जाएगा, उसे और आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जो आगे स्वर दिख रहा उसको वो आगे बढ़ेगा, ये वहीं रुक जाएगा। ये तृतीयांत है स्वरिते न अधिकार एक पक्ष, और स्वरिते नाधिकार दूसरा पक्ष। स्वरिते दृष्ट अधिकारो न, मैंने अधिकारो समाप्त, अनुवृत्ति समाप्त सियात, ये अर्थ लिया था वहाँ पर। लेकिन यहाँ किसी भी पद में स्वर चिन्ह है नहीं, अतः अधिकार सूत्र किसी भी प्रकार से एक हिस्सा भी इसका अधिकार नहीं बनता है। आदि उदात्तश्च समानो उदरेशयितो चोदात्त इत्यादि नाम असंग्रहश्च स्यात्, और इसको अधिकार सूत्र बनाओ तो सर्व प्रक्रिया का समस्या हो जाएगी। इसे पूर्व में जितने हैं अधिकार जो स्वर सूत्र हैं, जैसे आप गए तीन एक तीन में, आदि उदात्तश्च तीन एक तीन में धातु के अधिकार में आ जाता ना, तीन एक तीन में, और समानोदरे शहित ओचुदात्त, ये जो आपका तद्धित प्रकरण वाला चार चार 108 में आ रहा है, तो ये सब पूर्व में है ना, ये तो छठे अध्याय वाला सूत्र है। ये इसको आप स्वर्ग का स्वर्ग अधिकार कहोगे, तीसरे अध्याय जो स्वर के प्रक्रिया वाले सूत्र हैं जितने, चौथे अध्याय वाले स्वर प्रक्रिया के सूत्र है, पांचवें अध्याय में भी जाएगा ना, चौथे अध्याय तद्धित प्रकरण का समास का भी, वो सारे चौपट हो जाएंगे, फिर स्वर्ग अधिकार ही नहीं रह जाएगा। इत्यादि नाम इनके संग्रह नहीं हो पाएगा, इसे स्वर प्रक्रिया का इसको अधिकार सूत्र नहीं माना जाएगा, इसे कोई अधिकार सूत्र ही नहीं स्वर प्रक्रिया का, कि पूरे अष्टाध्याय में जगह जगह पर आ रहा है, सभी अध्याय कहाँ से कहाँ तक लोगे, कोई अधिकार इसे जहाँ जितनी अनुवृत्ति से उतरे हैं अपने हिसाब से वहीं जगह जगह पर लेकर के समाप्त किया जाएगा। परिभाषा यहाँ
लिंगापेक्षायाम और परिभाषा सूत्र है, इसके कोई चिन्ह तो चाहिए, कोई पहचान कैसे करोगे, कोई विषय संबंध कराओ इसको कहीं ना कहीं। तब कह स्वर विधि विषया इति सूत्र अनुदात शब्द अर्षाद्यजंत, सूत्र में जो अनुदात शब्द है अर्षाद व्यच से मत्वर्थी अच प्रत्यय कर देंगे और उसका अर्थ निकाल देंगे। पद सामानाधिकरण्यात अत्र अनुदात्तस्य क्रियमाणत्वात् तद भिन्न उदात्त स्वरितो वा वर्जतीत्या तम एकम वर्जयित्वा इति, जिस पद में एक अनुदात कर दिया गया है, एक उदात एक स्वरित कर दिया गया है, तब उसे वर्जन एक वर्जम गज उसे भिन्न जो है वो पद में सब अनुदात हो जाएंगे। पदम के साथ सामानाधिकरण होने से कि अनुदात वाला पद कहना पड़ेगा ना, कि अनुदात खुद तो पद हो नहीं सकता, अनुदात क्या है स्वर विशेष है और अचम का ही होता है, अच में ही होगा ना उदात अनुदात स्वरित, तो पदम के सामानाधिकरण कैसे करोगे, पद में तो हल भी होगा और पद में अनुदात के अलावा अन्य भी होंगे, उदात स्वरित भी होगा, इसीलिए हमें अनुदात पद में अर्षाद व्यच से मत्वर्तीय अच करना, अनुदात अस्मिन अस्ति, अनुदात रूपी स्वर विशिष्ट अच है जिस पद में, ऐसा पद हाँ जिसमें एक वर्जम, उस पद में भी क्या करना हमने एक उदात स्वरित को छोड़ के अर्थ करना पड़ेगा, तभी तीनों की सामानाधिकरण जो सूत्रकार ने प्रयोग किया वो समन्वय होता है। यत् तदोर नित्य संबंधात, और यत् और तद क्या होता है निसंबंध होता है, यस्य उदात्त स्वरित विधानम, माने यस्य पदस्य स्वरित अथवा उदात्त विधान किया गया है तस्यैव वर्जम, उसी वर्ण को छोड़ करके एक ग्रहणम विद्यमानस्य उपलक्षणम, एक जो ग्रहण किया एक वर्जम एक शब्द जो ग्रहण किया विद्यमान को उपलक्षित करने के लिए, तेना तवै चांतश्चविकपत इति द्वयोर वर्जनम, वहाँ पर दोनों इकट्ठे कह दिया है दोनों विद्यमान थे, इसे एक गत संख्या को परक्रूढ़ नहीं करना, एक को एक शब्द का अर्थ यहाँ संख्या परक्रूढ़ नहीं करेंगे, एक उदात को छोड़ के, ऐसा नहीं यदि एक पद में दो उदात विधान किया गया है विद्यमान दोनों उदात को छोड़ूंगा, या एक उदात एक स्वरित विधित हो गया है तो उदात स्वर दोनों को छोड़ के शेष को अनुदात करूंगा, इसे एक संख्या यहाँ पर गौण है। इंद्रा बृहस्पति इत्यत्र देवता द्वंद्वेचित सूत्रेण पद द्वयस्यापि प्रकृति स्वरे निश्चित विधेये त्रयाणाम वर्जनम, व तीन को वर्जन करना पड़ जाता है, तीन को छोड़ के शेष का अनुदात करना पड़ेगा। बृहस्पति शब्द ही वनस्पत्यादित्वाद आदिदात इति स्थितम, तो आदिदात तो ही है अपने आप में, गोपायत्मित बाद में देखेंगे। साधारण प्रकृति प्रत्यय समास तिंगंत विषयकतया पंचमी प्रकरणैर उदात्तादि स्वरान वित्पिपादयिषु हो साधारण स्वरांस्तावद्दाह अनुदात्तं पदमेक वर्जमिति, साधारण एक दूसरा प्रकृति स्वर तीसरा प्रत्यय स्वर चौथा समास स्वर और पांचवा तिंगंत स्वर, ये पंच स्वर प्रकरण होते हैं, पंचमी प्रकरण पांच प्रकरणों के द्वारा उदात्तादि स्वरों का वित्पिपादिषु वित्पादन करने की इच्छा से सबसे पहले साधारण स्वरों का वर्णन आरंभ करते हैं। एक वर्जमिति द्वितीयांचिति नमुलुवा, एक वर्जम में नमुल प्रत्यांत है, वृज धातु से नमुलुवा वर्जम हो गया। ननो तत्र त्वरायामिति अर्थक परिप्सयामिति अनुवर्तते इति चेत, लेकिन वहाँ पर जो द्वितीयांच सूत्र में त्वरायाम इस अर्थ वाला परिप्सयाम पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति हुआ है, यह शीघ्रता हो यह अर्थ आ जाएगा, यदि यहाँ अस्ति परिप्सा यदि चेत सिद्धांत नहीं यहाँ भी तो परिप्सा है झटिति कर दो, जो उदात करना है जो आपने स्वरित करना है जो करना है देर नहीं करना झटपट कर देना, वो करने के बाद जो शेष बचेगा उसको उदात कर देना साथ साथ कर देना, ये भी क्रम से नहीं होगा युगपत कर देना है, यह अर्थ यहाँ भी इष्ट है तथा ही वही समझा रहे यत्र उदात्तादिर विधीयते तत्र तत्समकालमेव शिष्टम अनुदात्तम कर्तव्यम, जिस सूत्र में जिस पद के अंतर्गत
जो अनुदात जो उदात्त स्मृति विधान किया है उस सूत्र के द्वारा ही समझो, इसको परिभाषा को जोड़ करके उसके साथ साथ ही अनुदात भी कर देना है। न तो विलंबितव्यम इति अर्थात, अर्थात सिद्ध हो गया कि विलंब नहीं करना चाहिए। एतच्च नमूल विधायके पदमंचर्याम स्पष्टम यद्वा प्रेप्सयम इति प्रायिकम। प्रेप्सयम के जो है अर्थ हम प्रायिक ले लेंगे, प्राय युगपद कर ले सकते हैं आप, और कहीं विलंबित करना पड़े विलंबित कर लो, कोई आपत्ति नहीं। एतच्च त्रयो पदमंजर्याम स्पष्टम, और ये परिप्रसयम से प्रायिक लेना चाहिए बात भी पदमंजरीकार इस वर्तमान सूत्र में स्पष्ट किया है। परिभाषेमिति नाधिकार अस्मृतत्वात् एक वर्षमित्य से वैयर्त्यापत्तिश्च, ये अधिकार सूत्र नहीं है अस्मृत होने के कारण से, और दूसरा एक वर्ष में जो ग्रहण के सूत्र व्यर्थ भी होने लगेगे अधिकार सूत्र मारोगे तो, तत्सूत्र विधेया नाम वचन सामर्थ्य वेव निघात अप्रवृत्त है। क्योंकि एक वर्षम का नहीं क्यों व्यर्थ है, क्योंकि ये आगे सूत्र में जुड़ेगा, अनुदात्तम पदम अनुदात्तम पदम अनुदात पदम अधिकार सूत्र ही होगा ना, आगे विधि सूत्र में जुड़ेगा, उस विधि सूत्र अपने अर्थ निकल गया, जो सूत्र विधि कर रहा है उदात्त स्वरित उसके साथ ही जुड़ेगा ना, तो विधि सामर्थ्या पहले होगा उदात्त, बाद में शेष को ही अनुदात करेगा। इसी इस सूत्र में एक वर्जन कहना यदि अधिकार सूत्र मानोगे तो व्यर्थ हो जाएगा, अनुदात का ही नाम निघात होता है। किंच आज उदात समान उदरे शेत ओच उदात्त इत्यादि असंग्रह आपत्ति है। इतना ही नहीं, तीसरे अध्याय चौथे अध्याय आदि में विद्यमान जो स्वर प्रक्रिया के सूत्र हैं वे भी अधिकार से बहिर्भूत होकर होने से ग्रहण नहीं हो पाएगा। ना भी विधि, इसको परिभाषा सूत्र क्यों मान रहे हो, चलो अधिकार नहीं हो सकता है इन विधि सूत्र मान लो, अनुदात का विधान कर दिया, कहते विधि भी नहीं हो सकता। तथा सती क एको वर्जनीय इति न जायत, यदि विधि मानोगे फिर वह निर्णय नहीं हो पाएगा कौन है वह एक जिसको वर्जन करना चाहते हो, निषेध निषेधनीय या निषेध्य पदार्थ कौन है, निर्णय कैसे करोगे। एवंच विनिगमना विरहत शास्त्र विहित उदात्त और स्वरित का नाम सर्वेशम ये वर्जन आपत्तो, लेकिन फिर क्या होगा, विनिगमना विरह से शास्त्र सकल उदात्त सकल स्वरितों का ही आप वर्जन करने लग जाओगे। आमलकीज इत्यादि उदात्त चतुष्टयम श्रूयत, यहाँ तो चार चार उदात्त होता है वो नहीं हो पाएगा। तत्र इंगीश प्रत्यस्वरण उदात्त गति कारक कृत स्वर भी है, दीर्घ काश तुष भ्रष्ट वटंचेति इति पूर्व पदांत उदात्तत्व, अंत्यात् पूर्व भवचेति लकार अकार से उदात्तत्व इति विरोध अभावाद युगपद उदात्त चतुष्टयम स्यात्, अस्य तो मकार अकारो अवकाश स्यात्, पर मकार के अकार मात्र में ये सूत्र जाकर के अनुदात कर पाएगा। परिभाषाया लिंगम्बाह, फिर विधि भी नहीं है अधिकार भी नहीं है, फिर परिभाषा सूत्र मानने में लिंग क्या है, कहते स्वर विधि, क्यों अनुदात शब्द सुनाई दे रहा है उसे ज्ञापन हो जाता है, ये जो परिभाषा करेगा किस विषय में करेगा, स्वर के विषय में ही करेगा। सूत्र अनुदात शब्द अर्षाद्यजंत पद सामनाधिकरण्यात, अनुदात्तस्य विद्यमानत्वात् तद भिन्न उदात्त स्वरितो वा वर्जते, अनुदात इसमें शेषत्वेन विद्यमान होने के कारण से तद भिन्न उदात्त स्वरित को यहाँ वर्जन का विषय माना जाएगा। तद्विधौ एव अस्य उपस्थानम इत्याह, ऐसे जहाँ जहाँ पर उदात्त का विधि हो रहा हो या स्वरित का विधि होता हो उन उन सूत्रों में ये सूत्र जाके उपस्थित हो जाएगा। इसी को समझाए यस्मिन पदे यस्य उदात्त स्वरितो वैधीयते इत्यादि वृत्तिकार ने बोला है। अत्र पदत्वे भावि नियंत्रणगतात् पूर्वमेव स्वर प्रवृत्ति, यदि ये पे पद संज्ञा तो बाद में होता है ना सकल प्रक्रिया करने के बाद, लेकिन यहाँ पर भाविनी पदत्वे अपि भविष्य में पद संज्ञा होने वाला है यह ध्यान में रखते पूर्व में स्वर प्रक्रिया कर देंगे, तद्विधौ एव स्वर प्रवृत्ति स्यात्। पद ग्रहण तो परिमाणार्थम, पद ग्रहण क्यों किया फिर, जब परिमाण निश्चय कर ली इतने में से ये निर्णय लो, हमें मालूम है कहाँ से कहाँ तक पसंज्ञा होने वाला है, अवधि निश्चय कर दिया इतने अक्षरों का अंतर्गत हमें स्वर प्रक्रिया लागू करना है। अतः धातु इत्यादि न दोषा,
सधातो हो इत्यादि सूत्र में जो अधिकार सूत्र के प्रवृत्त वहाँ पर आदिदात जुड़ेगा उसके साथ हो तो वह दोष नहीं है। तद व्यावर्त्यंत पद समुदाय हो उसको ही व्यावर्तन करने के लिए यह पद समुदाय को लिया जाएगा। यस्य पदत्वम भावी तस्यैव एक वर्जम अनुदात्तम इत्यर्थात जिसकी पदत्व भविष्य में होने वाला हो तार्श पदस्थ एक अनुदात अनुदात जो विहित है उसे छोड़कर शेष को अनुदात किया जाएगा यह अर्थ निकलता है। स्पष्टं चेदं विकाराधिकारे तस्य विकार अधिकार सूत्र है तद्धित में उस अधिकार में अनुदात्तादेश च इति सूत्रे भाष्यकयोटयो स्पष्टं चेदं तद्धित है 4384 का है तत्रस्थ भाष्य और कयट आदि ने इस बात को स्पष्ट किया है। तमेकम इति एक ग्रहणं विधीयमान उपलक्षण एक जो ग्रहण किया विधीयमान उदात्त ये अर्थ लेना है संख्या पर नहीं लेना उसको। एवं च तवै चांत इत्यादो द्व्यादीनां वर्जन सिद्धि इंद्रा बृहस्पति इत्यत्र देवतात्मक पदद्वय से अपि प्रकृति स्वर विधेये त्रयाणां वर्जनं भवति क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति शब्द ही वनस्पत्यादित्वात् ही द्व्युदात्त हो जाता है इति बोध्यम। बीच का कोष्ठकांतर बाट कहीं कहीं पर नहीं मिलता है बाद में लोगों ने घुसाया लगता है वनस्पति आदि गण में होने के कारण से उसको उदात कर दिया गया है द्विदात हो गया दो उदात हो गया उसमें। न चैव समाने ख्य सच उदात इतने प्रत्युदातत्व से सादेश उदातत्व से च एक नैव सूत्रेण विधानाद उभयोर्वर्जनापत्तिरिति उदात द्वय श्रवणम स्याद इति न च वाच्यम। यदि कोई ऐसा कहे स्थल में भी समाने ख्य सच उदात इस सूत्र के द्वारा प्रत्येक उदात किया गया और सादेश जो हुआ सकार जो आदेश हुआ है समानक स्थान में सादेश होता है वो स को भी उदात करना है तो एक नहीं वे सूत्र एक सूत्र के द्वारा विधान कर दिया दो को उदात वो भयो हो विधान किया इसे उन दोनों को छोड़ करके उन दोनों उदात को छोड़ के शेष को आप अनुदात करिए अर्थ हो जाएगा। अपदीर्ति उदात श्रवण सियाद इतने चवाचन तवैचांत इत्यादो युगपद ग्रहण है ना यत्नम विना उभयोर एकत्र असमवेश ज्ञापनात् इति भावः। तवे चांत इत्यादि सूत्र में युगपद ग्रहण सामर्थ्यात् ज्ञापन होता है दोनों के एक साथ प्रयोग होगा ही नहीं। अत्र यस्मिन् पदे यस्याम अवस्थायां यस्य अच उदात्तादिर्विद्यते इसे जिस पद में जिस अवस्था में जिस अच के स्थान में उदात्तादि का विधान कर दिया गया उस पद में उसी अवस्था में उस सन्निहित अन्य जो अच्छे अजंतरम निहन्यते उनको अनुदात किया जाता है इति बोध्यम। स्पष्टं चेदम आदिदात्तस्य सूत्रे पदमंजर्याम न चैवम चिनुते इत्यत्र स्नोर निघातो न सिद्ध्यति फिर चिनुते में नू का अनुदात नहीं हो पाएगा ऐसे मत कहो। तस्य उदात्त प्रवृत्ति काले असनीतत्वाद इति न च वाच्यम यहाँ तक जाएगा न सिद्ध्यति अतएव उदात्तत्व प्रवृत्ति काल में असनित कारण से निगात नहीं हो सकता है ऐसा ना कहो। युपद ग्रहण है ना अनुदात्त अतिरिक्त स्वर योर असमावेश ज्ञापना तत्सिद्ध है। युगपद ग्रहण से सामर्थ्य क्या हुआ अनुदात से भिन्न स्वरों का या असमावेश ज्ञापन हुआ मैंने अनुदात से भिन्न स्वर युगपद हो सकते हैं अनुदात के लिए बाद में अंत में प्रवृत्त होना युगपद करने के लिए।